फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की है एक और ताजा खबर। झांसी में आज शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारियां दी। इस दौरान कांग्रेस के झांसी महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा, सरकार लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना घटी है जिसमें किसानों को कुचलकर एवं गोली मारकर नरसंहार किया गया, उसमें एक पत्रकार की भी जान चली गई और इस घटना को उत्तर प्रदेश सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए जब हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी दुखित परिवारों से मिलने लखीमपुर जा रही थीं तो उन्हें ज़बरदस्ती रास्ते में रोका गया और कानून का दुरुपयोग कर उन पर तमाम धाराएं लगाकर गिरफ्तार किया गया। हम उत्तर प्रदेश सरकार की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, जिन किसानों की हत्या हुई है इस सरकार के रहते उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसान को गोली लगने का कहीं जिक्र नहीं है। सरकारी तंत्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए हम सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग करते हैं। प्रदेश महासचिव राहुल रछारिया ने कहा कि शहीद किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस संघर्षरत रहेगी। पूर्व अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन ने कहा कि दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और निर्दोष प्रियंका दीदी को पुलिस हिरासत में रखा गया, हम सरकार की निंदा करते हैं। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के दौरान राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, जेके दोहरे, गौरव जैन, मजहर अली, हजरत खान, नीता अग्रवाल, इंदिरा रायकवार, विनय, ब्रजेश नामदेव, मेवालाल भंडारिया, सूरज रायकवार, विशाल वर्मा आदि मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।